क्या मामला है सर? ऐसा है कि हमारे क्षेत्र के छितरपुर में गांव में एक महिला जिसका तोपचाची प्रखंड के भुइया चित्रो पंचायत निवासी 22 वर्षीय युवक मोहम्मद शाहूद की मुंबई में डेंगू से मौत की सूचना पर चुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो बुधवार को मृतक के घर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी लेते हुए परिजनों को संतावना दिया। उन्होंने परिजनों को हर संभव मदद करने का भरोसा दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग अपने प्राण से दूसरे जगह कार्य की मजदूरी करने जाते हैं वहां अपना निबंधन अवश्य करा ले। वहीं पंचायत मुखिया प्रतिनिधि अजमत अंसारी ने कहा कि मृतक के परिजनों के पेंशन के लिए सारी प्रक्रिया कर ली गई है, जल्द ही पेंशन चालू हो जाएगा। मुखिया अमजद अंसारी ने बताया कि मोहम्मद शाहूद के पिता की मौत बचपन में ही हो गई थी, जिसके बाद मृतक अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर परिवार के भरण पोषण के लिए लगभग एक माह पहले मुंबई चला गया था, जहाँ वो डेंगू की चपेट में आ गया। इसके इलाज के लिए गाँव के लोग पैसे मुंबई भेजते थे, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। क्या मामला है सर? ऐसा है कि हमारे क्षेत्र के छितरपुर में गांव में एक महिला जिसका हस्बैंड डेथ कर गया था और यहीं महीने में रह के अपने बच्चे का भरण पोषण कर रहा था जी। और बच्चा जो है कमाने के लिए मुंबई गया हुआ जी। वहाँ बीमारी के कारण उनका बच्चे का देहांत हो गया और देहांत में डेड बॉडी कल ही आया था, कल ही मृत्यु हो गया है। लेकिन जब हम लोग को पता चला तो हम लोग आए और उनसे मिले और उनको उनका जो समस्या है उसका रूबरू भी हुआ और हम लोगों ने प्रयास कर रहे हैं कि श्रम विभाग की तरफ से जो मजदूर काम करने के लिए अपने प्राण से दूसरे जगह जाते हैं और वहाँ किसी तरह की दुर्घटना घटना क्या किसी तरह का हो जाता है मौत होती है, सरकार क्या दे सकता है उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। और जो नॉन सिलेंडरों की जो हर सुविधा दी जाएगी और पेंशन के लिए भी माननीय मुखिया जी ने बताए कि पेंशन हो चुका है, बहुत जल्द पेंशन है। क्या पास क्या खरीदा।